गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं अकेली हूँ, भरत नहीं है, भरत है अपने घर पर और मैं आई हूँ अपने घर पर। ये देखो हिमाचल, एक्चुअली हम आए हैं पिकनिक पे, नीचे मेरे घर वाले जा रहे हैं तो ये सारा मैं गिर जाऊँगी, तो मैं भी अभी नीचे जा रही हूँ। यहाँ पे ना सामने एक मंदिर है, ये देखो यहाँ पे जाना है अभी हमको, ऐसे ही पिकनिक के लिए, थोड़ा बहुत घूमने के लिए हम आए हैं यहाँ पे, तो चलते हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ, ऐसे मुझे पसंद नहीं है घर आके शूट करना कुछ भी, मैं चिल करने आती हूँ अपने घर पे। तो अब हम नीचे जाएंगे और फिर बैठते थोड़ा। मेरे पीछे भेड़े भी आ चुकी है, हाय, सिंग भी मारती है शायद ये, मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगी ज़्यादा पास जाऊँगी, पर नहीं मारेगी, है प्यारी है ये। अभी ये सारे घास खा रहे, इनको भेड़ों को चराने वाले आए हुए हैं, आगे वो दो बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो भेड़ों को चला रहे हैं। छोटी सी मैम है, अच्छा अच्छा चलेगी, डर रहे हैं ये, सिंग मारते हैं, सिंग मारेंगे। वो देखो इतनी छोटी सी बच्ची आ रही है। अभी ये सारे पत्थर क्रॉस करके एक पुल है बीच में छोटा सा, वो क्रॉस करके उधर जाना है, और ये है नेचुरल वाटर, इसको पी भी सकते हैं क्योंकि आ रहे हैं डायरेक्ट पहाड़ों से। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, प्यास लगी है, चलो बढ़िया है, पानी पी लिया, आगे बढ़ते हैं। ये पानी के पास पहुंच गई हूँ मैं, और ये देखो ये छोटा सा पुल क्रॉस करके उधर जाना है, पहुंचने वाले बस, वो सामने वाटरफॉल है, चलो चलते हैं। आपका नाम क्या है? व्यान चौधरी। ब्रदर ऑफ? ब्रदर ऑफ किसके भाई हो? जोर से बोलो। वेरी गुड, चलो बाय बाय। बाय बाय। आप लेके जा रहे हो? आपको सारा रास्ता पता है इधर का? कुछ नहीं पता, झूठा ड्रामे कर रहा है बस। ये है वाटरफॉल, फाइनली पहुंच चुके हैं, और ये मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे। ये रहा वाटरफॉल, और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, और अभी अंदर चलते हैं। हाँ, ठंडा पानी। झरने का तो इतना मजा आ रहा है ना, जैसे ठंडी ठंडी हवा है, ऐसी ठंडी ठंडी हवा है, छींटे पड़े ना, हमें बड़ा मजा आ रहा है सच में, गिल्ले भी हुए तुम लोग, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, हरियाली है जिसे चारों तरफ देखो, बहुत मजा आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, अगर आप हिमाचल आए कभी, आपको ये वाला पत्ता दिखे ना, इसको प्लीज़ टच कर लेना, आपको बहुत मज़ा आएगा। मजाक कर रही हूँ, इसको कभी टच मत करना, इसको टच करोगे तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, इसको बिच्छू बूटी बोलते हैं हम यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जलन होती है और फिर दर्द भी होती है, खारिश होती है। और ये है चील का पेड़, ये तो छोटा है अभी, बट आगे बड़े भी हैं, वो देखो ये वाला बड़ा है,
ऐसा बन जाएगा ये इतना बड़ा। और जो मैं अभी आपको बोल रही थी कि चील का पेड़, तो चील इज़ बेसिकली ये जो डेकोरेशन के लिए हम लगाते हैं ना घर पे, जो कि ऑनलाइन बहुत महंगा भी मिलता है, लकड़ का होता है, वो यहाँ पे पेड़ों पे उगता है और यहीं से गिरता है। तो रुको मैं दिखाती हूँ ज़ूम करके इसको, पता नहीं पाइन ट्री है ये बेसिकली, पाइन है ये, देखो पाइन कोन्स, ये बोल रही हूँ मैं, दिख रहे हैं ना ये कोन्स, ये जो घर पे डेकोरेशन पे लगाते हैं लोग, ये पेड़ है और यहाँ पे गिर जाते हैं लोग, उठाते हैं उनको और अपने घर में डेकोरेशन के लिए रख लेते हैं। बस अब चढ़ाई में हालत ख़राब हो रही है। व्यान चौधरी बताओ सबको ये क्या चीज़ है? हाँ इसको क्या बोलते हैं, बिच्छू बुट्टी, एंड भी बोलते हैं इसको, लगा के क्या होता है हाथ पे, खारिश होती है। चलते रह लगाऊ मैं, हाँ, चल तेरे को लगाऊ मैं, बहुत शैतान हो रहा है तू, आराम से चल। गोल्डन आवर, तो अभी हम यहाँ से फ्री हो चुके हैं और अब हम वापस घर जाएंगे, तो हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। बाय गाइस, टेक केयर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा।